तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम बाइनेंस के अकाउंट को लॉगिन किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम बाइनेंस के अकाउंट को यूज करते हैं, अगर 5-7 दिन हम अपने अकाउंट को यूज नहीं करते हैं तो यह ऑटोमेटिक लॉन्ग आउट हो जाता है। दोस्तों, हम इसको फिर से किस प्रकार से लॉगिन करें इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बाइनेंस का अकाउंट जो एप्लीकेशन होती है, यह आपको बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। दोस्तों, यह देखिए, हम अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाती है तो हमारे सामने बाइनेंस लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों, यह देखिए, सबसे ऊपर आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, यह देखिए, लॉगिन के लिए ऑप्शन दिख रहा होगा। दोस्तों, आप यहां पर ईमेल आईडी जो आपने बाइनेंस के साथ रजिस्टर की थी, उस ईमेल आईडी को या वह फ़ोन नंबर यहां पर डाल सकते हैं, अगर आप बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं तो। दोस्तों, यह देखिए, आपको नीचे दिख रहा होगा कंटिन्यू विद गूगल, आप यहां से भी बाइनेंस का अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ऊपर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन से लॉगिन करके दिखाएंगे। दोस्तों, आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी, रजिस्टर ईमेल आईडी और अपना रजिस्टर फ़ोन नंबर, कोई भी इनमें से एक चीज़ डाल सकते हैं। दोस्तों, हम यहां पर अपना फ़ोन नंबर डालते हैं जो कि हमारा बाइनेंस का अकाउंट बनाते वक्त हमने यहां पर डाला था। दोस्तों, यह देखिए, हम यहां पर अपना फ़ोन नंबर डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल लिया है। दोस्तों, यह देखिए, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर था वह हमने यहाँ पर डाल लिया है। हम सिक्योरिटी के लिए अपने मोबाइल नंबर को ब्लर कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना मोबाइल नंबर या एक ईमेल आईडी डालने के बाद, जो रजिस्टर है वह यहाँ पर डालने के बाद, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यह देखिए, जैसे हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमने एक पासवर्ड बनाया था। दोस्तों, जब हम बाइनेंस का अकाउंट बनाते हैं तो हमने एक पासवर्ड बनाया था, उस पासवर्ड को हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। दोस्तों, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पर कर सकते हैं, वहाँ से आपका पासवर्ड निकल आएगा। लेकिन दोस्तों, हमें हमारा पासवर्ड पता है तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देते हैं। दोस्तों, यह देखिए, हमने अपना पासवर्ड डाल दिया है। अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए एक कोड दिया जाता है। दोस्तों, यह कोड आपकी ईमेल आईडी पर जाएगा। तो दोस्तों, आपको गेट कोड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो आपकी ईमेल आईडी पर एक कोड पहुँच गया होगा 6 डिजिट का। तो दोस्तों, जो हमारे रजिस्टर ईमेल आईडी है, यह कोड उस पर गया होगा। तो हम अपनी जीमेल में अपना कोड चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह देखिए, हम अपनी जीमेल को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों, यह देखिए, हमारी जीमेल पर पहले नंबर पर ही बाइनेंस की तरफ से कोड आया है। हम इस कोड को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, यह देखिए, हमारे यहाँ पर 6 डिजिट का कोड दिख रहा होगा, इस कोड को हम वहाँ पर डाल देंगे। दोस्तों, यह देखिए, यह कोड हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब दोस्तों, हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए, हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर हमारा बैलेंस देख सकते हैं, जो हमारे बाइनेंस के अकाउंट में कॉइन खरीद रखे थे वह बैलेंस आपको दिख जाएगा। देखिए, हम ऊपर क्लिक करते हैं अकाउंट पर। तो दोस्तों, यह देखिए, हमारा अकाउंट वेरीफाई है और यह अकाउंट हमारा लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों, आप भी बाइनेंस के अकाउंट को इस प्रकार से लॉगिन कर सकते हैं और यह बिल्कुल आसान और सही तरीका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।